बच्चों बड़े बड़े सवाल, अरे बस बस बड़े बड़े सवाल मैं करूंगा, नन्हे मुन्ने सवाल आपने कर ले। बच्चों ये पास पेपर का सवाल है जो मैं करने जा रहा हूं, मैं रोजाना पास पेपर का एक सवाल किया करूंगा, और अगर आप थोड़ा सा मोटिवेट हुए तो दो सवाल किया करूंगा। तो अभी देखिए आधे घंटे बाद आपने हाथ करने का सर, बस अगर आप मौका दे तो ये डेढ़ बजे तक दो सवाल हो सकता है। अच्छा जी, अब बच्चों तरीका सीख लें, तरीका सीख लें। सवाल करने का बेस्ट तरीका ये है कि जो जो आपको ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिए जाए सवाल में, जो जो आपको ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिए जाए उनके अकाउंट्स ओपन कर लो। अच्छा जी, अच्छा जी, अरे बच्चों बवाज ना है, बस करो। अब सबसे पहले यहां पे लिखना है, सबसे पहले नाम प्लैटिनम इंटरनेशनल ट्रेडर्स, यहां पे क्या आएगा जी, प्लैटिनम, पेज नंबर है जी 20, प्लैटिनम इंटरनेशनल ट्रेडर्स स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोस फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2006। अच्छा जी, अब सबसे पहला पॉइंट ये है बच्चों, आपने देखना है सवाल में आई कैप में आपको कुछ कहा है कि कौन सा मेथड फॉलो करें। इनडायरेक्ट अगर वो कह रहा है तो डायरेक्ट कर सकते हैं, चाहे डायरेक्ट सवाल होता भी हो आपने इनडायरेक्ट से ही करना। और बच्चों इनडायरेक्ट की पहली लाइन कौन सी आएगी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है जी। लेकिन बच्चों अब सवाल शुरू करने का तरीका यह है कि आपका जो पेज नंबर 1 होगा ना, जिस पे आपने कैश फ्लो बनानी है, उसको खाली छोड़ो, उसको क्या करने खाली छोड़ो, मतलब पेपर फाइनल पेपर में जब आपने करना है सवाल तो कैसे आपने इसको तरीके को अप्लाई करना है, पहला पेज जो होगा जिस पे आपने सारा कुछ लिखना है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स इंक्रीज डिक्रीज, वो खाली छोड़ दें। और आपने वर्किंग पे जाना है, पेज नंबर 2 पे जाना है और वहां पे वर्किंग करनी है। वर्किंग कैसे करनी है, आपने पहली लाइन पढ़नी है सवाल की, इस सवाल की पहली लाइन में बच्चों आपको प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट नजर आ रहा है क्या, आपको नजर आ रहा है उसका ओपनिंग बैलेंस भी है क्लोजिंग भी है क्या, आपको नजर आ रहा है उसमें फर्क भी है, इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ कोई एडिशन कोई डिलीशन निकल आएगी। तो बच्चों जिन जिन चीजों के आपको ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिए गए हैं उन सबके अकाउंट्स ओपन करें, सबसे आसान तरीका ये। तरीका समझ आ गया, पेपर में गए, क्वेश्चन पेपर आपके सामने आया, उसमें कैश फ्लो का सवाल है 20 नंबर का, और आपने कैश फ्लो का सवाल शुरू कैसे करना है, सबसे पहले बैलेंस शीट देखनी है, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया है, आपने पेज नंबर 1 खाली छोड़ देना, पेज नंबर 1 खाली, उसको बाद में देखेंगे, पेज नंबर 2 पे जाना है और वहां पे अकाउंट्स बना लेंगे। बच्चों प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का मुझे बताएं ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस है, यहाँ पे मैं वर्किंग कर लूंगा, वर्किंग का नाम क्या होगा जी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस। अब ये बात याद रखनी है बच्चों, सारे अकाउंट्स यहाँ पे जो बनने हैं ना, सब में रुपीज इन 1000 होंगे। कैसे पता लगा, ये देख लो, रुपीज इन 1000, मतलब सादा अल्फाज में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट 10 मिलियन के हैं, 10,000 के नहीं है, कितने के हैं, 10 मिलियन के। लेकिन हम यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस कितने लिखेंगे, 10,000, और क्लोजिंग 10,500। क्या ये बात समझ आई, नहीं समझ आई? अच्छा अब बच्चों अगर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट आपको सवाल में नजर आया तो अगली चीज आपने सवाल में ढूंढनी है, क्या कोई एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी है,
आप सवाल गौर से देख लें, कहीं पे आपको अक्यूमुलेटेड अपने नजर नहीं आ रही। अगर कोई अक्यूमुलेटेड अपने सवाल में नजर ना आए तो बच्चों याद रखना है कि ये WDV पे है। ये बात याद रही नहीं याद रही? पहला काम है कि अकाउंट ओपन कर लिया, ओके। अब प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो आपने अगली चीज क्या चेक करनी है सवाल में कि क्या अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अलहदा से दी गई है। अगर अक्यूमुलेटेड अलहदा से दी गई है तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट कॉस्ट बेसिस पे होगा, और अगर अलहदा से आपको अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नजर नहीं आ रही तो यही प्लांट अकाउंट WDV पे है, डेप्रिसिएशन इसी के अंदर से माइनस हो रही। क्या ये बात समझ आ गई? अच्छा जी। उसके बाद है जी इनटेंजिबल एसेट। इनटेंजिबल एसेट क्या होते हैं ये आपने पढ़ने हैं FAR 2 में, IS 38 है ये, लेकिन फिलहाल हमें ये याद रखना है यहाँ पे कि इनटेंजिबल एसेट भी एसेट ही होते हैं। इसमें भी ओपनिंग क्लोजिंग वैसे ही लिखा जाएगा, इसमें भी गेन लॉस निकल सकता है, इसको भी बेचा जा सकता है। ऐसी इनटेंजिबल एसेट बच्चों कितने हैं? ओपनिंग 1000, क्लोजिंग 1200। लिख लिया जी। अच्छा जी, उसके बाद ये क्या चीज है बच्चों? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में मैंने आपको कुछ बताया था कि इसको कैश में शामिल किया जा सकता है, याद है? लेकिन कब नहीं कर सकते? और अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो फिर भी नहीं करेंगे। और इस पूरे सवाल में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में कोई और बात नहीं बताई कि ये 3 महीने के लिए की या 2 महीने के लिए की या 5 दिन के लिए की, कुछ नहीं बताया। तो ये सीधा सीधा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा, इसकी वर्किंग करेंगे 500 और 750। ये ब्रॉड डाउन आ गया और ये कैरी डाउन आ गया। आगे चलते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स। बच्चों ट्रेड रिसीवेबल के ये क्या है? स्टॉक्स है। आपको पता है स्टॉक के लिए अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों बोला? स्टॉक का इंक्रीज डिक्रीज सीधा सीधा ले लेना होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, ऐसे ही ना, उसका अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। और ट्रेड रिसीवेबल का भी अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज मैं आपको ट्रेड रिसीवेबल के बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, दोबारा नहीं मैंने बताया। कल वाला सवाल हमने जो किया था उसका नाम क्या था? कल वाला सवाल मूसानी। मूसानी किधर गया? शाहनवाज था, उसके बाद ट्रिंगो था, मूसानी था। बच्चों गौर से देखो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लो बच्चों। मूसानी ने ट्रेड रिसीवेबल का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस था, ओपनिंग था 21,500 और क्लोजिंग था 31,700। लेकिन क्या उसकी अलहदा से प्रोविजन फॉर बैड डेट्स भी थी? क्या अलहदा से प्रोविजन गिवन है? तो बच्चों मैं कह सकता हूँ ये जो अकाउंट रिसीवेबल हमने कल बनाए थे ये बिफोर, मतलब ये प्रोविजन के अलावा थे। ये 21,500 है, क्या उसमें से प्रोविजन माइनस हुई पड़ी है? 31,700 में से प्रोविजन माइनस हुई पड़ी है। अगर उसमें से प्रोविजन माइनस हुई पड़ी होती तो हमें अलहदा से नजर ना आती। क्या ये बात सबको समझ आई? नहीं समझ आई? जैसे अभी अभी मैंने आपको बताया सवाल में बच्चों, ये फर्नीचर की वैल्यू आपको दी गई है, इसके बारे में क्या ख्याल है? ये कॉस्ट पे है कि WDV पे? कैसे पता लगेगा सवाल में कि कॉस्ट पे? अगर उससे रिलेटेड आपको अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नजर आ जाती है तो वो 80,000 किस पे है? कॉस्ट पे है। कॉस्ट का मतलब ये है कि 80,000 में से अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस हो चुकी है कि नहीं हुई? क्या 80,000 अलग है और 8,000 अलग है? अगर बच्चों सवाल में अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ना दी होती तो यहाँ पे फिर 80,000 ना होता, 72,000 होता। सोचो, नहीं समझ? और बोलो तो सही। और मैं कहता कि 72,000 बेसिकली WDV है। 72,000 क्या है? WDV।
और यहाँ पे 15,000 अगर ना दिया होता तो यहाँ पे क्या होता 49,000। अरे 49,000 क्या होता डब्ल्यू डी। बात समझ आई? अगर बच्चों अक्यूमुलेटेड डंपिंग का आपको सवाल में कोई लाइन नजर नहीं आई तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट जो है वो डेप्रिसिएशन से नेट होने के बाद की वैल्यू बताएगी। क्या ये बात हजम होगी? और बच्चों इसी तरह से अगर आपको सवाल में डेटर की वैल्यू अलहदा गिवन है और प्रोविजन की वैल्यू अलहदा गिवन है तो डेटर में से प्रोविजन माइनस हो चुकी है कि नहीं हुई? नहीं हुई। डेटर अलहदा है और प्रोविजन अलहदा है, ये बात याद नहीं। और कल बच्चों हमने डेटर का इंक्रीज डिक्रीज अलहदा लिखा था और प्रोविजन का इंक्रीज डिक्रीज अलहदा लिखा था यार। तो कल हमने जो काम किया था वो आज हमें समझ आया है कि अगर डेटर अलहदा होंगे प्रोविजन अलहदा होगी तो हमें दो कैलकुलेशन करने पड़े। एक डेटर का इंक्रीज डिक्रीज निकालना पड़ेगा और एक प्रोविजन का इंक्रीज डिक्रीज निकालना पड़ेगा, ऐसी है। लेकिन बच्चों अगर सवाल में ये प्रोविजन ना होती, ये प्रोविजन यहाँ पे ना लिखी होती तो जो ऊपर नेट लिए गए हैं वो नेट ऑफ प्रोविजन होते। मैं कहता कि मैं प्रोविजन उसमें सैलरी का भी पड़ी है माइनस, तो बच्चों क्या मैं दूसरी वर्किंग कर सकता था? नहीं कर सकता था, मुझे सिर्फ एक ही वर्किंग करने की जरूरत है। दो वर्किंग में करना भी चाहूं तो नहीं कर सकता। तो यहां से एक बात आपको समझ आनी चाहिए, अगर सवाल में प्रोविजन हो और डेटर हो तो कितनी वर्किंग करनी पड़ेगी? दो, या दो इंक्रीज डिक्रीज करने पड़ेंगे। एक इंक्रीज डिक्रीज जाएगा प्रॉफिट की कैलकुलेशन में और दूसरा इंक्रीज डिक्रीज जाएगा वर्किंग कैपिटल। इंक्रीज डिक्रीज इन एसेट एंड लायबिलिटी और स्टॉक, याद आ रहा कुछ? और अगर सवाल में प्रोविजन अलहदा से ना हो तो डेटर होंगे नेट, तो डेटर होंगे नेट तो नेट का ही डिफरेंस ले लेंगे, तो हमें दो वर्किंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही काफी होगा। क्या ये बात हजम होगी? कल वाले सवाल में डेटर क्या थे हमारे? प्रोविजन से पहले वाले थे। और आज का सवाल कौन सा है? प्लैटिनम। अच्छा जी, अब बच्चों आज वाले सवाल में जरा गौर से देखो ये ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है। कल वाले सवाल में और आज वाले सवाल में फर्क समझ आ रहा है? कल वाले सवाल में प्रोविजन अलहदा थी, डेटर अलहदा थे, और आज वाले सवाल में उसने डेटर के साथ ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ है, डेटर्स नेट ऑफ प्रोविजन। नहीं बात समझ आ रही? बच्चों क्या डेटर का अकाउंट बनाने की जरूरत है? नहीं। बोला क्यों? उसका सीधा सीधा इंक्रीज डिक्रीज लेके सीधा सीधा वहां पर लिख ले, उसकी जरूरत है? अगर आप बनाना चाहे तो कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं टाइम बन जाएगा। अच्छा, एडवांस एंड डिपॉजिट में देखो बच्चों को फर्क आ रहा है? कोई फर्क नहीं आ रहा, तो इसकी भी वर्किंग करने की जरूरत है? नहीं। हाँ, अगर फर्क हो या नीचे कोई लाइन आ जाएगी तो बना लेंगे। एडवांस एंड डिपॉजिट में पूरा साल कोई फर्क नहीं आया। आगे चलते हैं। कैश एंड बैंक बैलेंस आपको पता है बच्चों हमने एंड पे लेना होता, और बैंक ओवरड्राफ्ट भी हमने एंड पे लेना था, वो भी कैश एंड बैंक बैलेंस का हिस्सा है। क्रेडिटर और अदर लायबिलिटीज लेंगे हम, क्योंकि ये भी इसका सीधा सीधा क्या आएगा? इंक्रीज डिक्रीज आ रहेगा। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन की हमें वर्किंग करनी पड़ेगी। क्या ये बात समझ आ रही है? प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन क्या होती है? टैक्स पेबल लायबिलिटी होती है हमारे। इसका कंसेप्ट क्या है? इसके साथ वर्ड प्रोविजन क्यों आया? माशाल्लाह टैक्स पढ़ रहे हैं सारे के सारे। आपको पता है अगर किसी कंपनी का अकाउंटिंग ईयर 30 जून को खत्म होता है, जरूरी नहीं है कि टैक्स भी 30 जून को कैलकुलेट हो। टैक्स वाले हो सकता है सितंबर में आए, हो सकता है नवंबर में आए, हो सकता है दिसंबर में आए। टैक्स रिटर्न की फाइलिंग की जो लास्ट डेट होती है वो एक्सटेंड होती जाती है, दिसंबर तक चली जाती है। ऐसी तो बच्चों पॉइंट ये है, आपने अपने अकाउंट करने क्लोज, टैक्स वाले नहीं आए तो फिर क्या अकाउंट क्लोज ना करें? ठीक है, हम अपना फिर एक अंदाजा लगाएंगे यार इतना टैक्स बन सकता है। अब आपको पता है आपका कैलकुलेट किया हुआ टैक्स और टैक्स वालों का कैलकुलेट किया हुआ टैक्स ये मैच नहीं होता। अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से टैक्स कुछ और होता है, लेकिन टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से टैक्स कुछ और होता है। कुछ इनएडमिसिबल डिडक्शन होती है जिसको वो एड बैक कर देते हैं, कुछ एडमिसिबल एक्सपेंसेस होते हैं जिसको वो लेस करते हैं। ऐसी है, टैक्सेबल प्रॉफिट कुछ और होता है और अकाउंटिंग प्रॉफिट कुछ और होता है, क्योंकि अकाउंटिंग प्रॉफिट बना है IFRS की बेस पे और टैक्सेबल प्रॉफिट बना है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की बेस पे, दोनों के असूल डिफरेंट है। ऐसी है? तो
तो बच्चों ये हमने अंदाजा लगाया था पिछले साल के कितना टैक्स आएगा, और ये अंदाजा लगाया है हमने इतने इस साल के कितना टैक्स आएगा। क्या ये पॉइंट समझ आ गया? प्रोविजन का फॉर टैक्सेशन का वर्ड समझ आ गया? क्या प्रोविजन फॉर टैक्सेशन होता क्या? तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का हमें क्या करना पड़ेगा? ओपनिंग और क्लोजिंग। अब किसी के दिमाग में ये ना हो सर ये ओपनिंग क्रेडिट साइड पे क्यों आ रहा है, चलो बता दे लायबिलिटी कैसे है? टैक्स हमें पे करना है कि हमें मिलना है? पे करना है, तो आज नहीं तो कल पे करना है, तो ये लायबिलिटी है हमारे लिए। ओपनिंग कितना बचो? 1500। क्लोजिंग कितना है? 2250। अब नेट एसेट उसने बताए हुए हैं, ये नेट एसेट बेसिकली कैसे आए होंगे बच्चों? ऊपर सारे एसेट और लायबिलिटीज दी हुई है, तमाम एसेट को जमा कर लो, तमाम लायबिलिटीज को माइनस कर लो, 11400 चेक कर लो। कैसे वेरीफाई कर सकते हैं बच्चों? क्या ये भी एसेट है? ये भी एसेट है, एसेट 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 लायबिलिटी और लायबिलिटी, इन तमाम वैल्यूज को जमा करो और ये भी लायबिलिटी है। ऊपर वाली तमाम वैल्यूज को जमा करो, नीचे वाली तीन वैल्यू माइनस करो, चेक करो 11400 है। चेक करो, शाबाश शाबाश, बोलो तो सही। अब बच्चों अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ी थी हमने कि जब बचपन में, याद है कुछ कुछ? एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस, बच्चों लायबिलिटी जब एसेट में से जाके माइनस हो जाता है तो वो किसके बराबर आ जाता है? और वो एसेट में से लायबिलिटी जब माइनस होती है बच्चों उसको नेट एसेट कहा जा सकता है? नहीं समझ रही बात का, अकाउंटिंग क्वेश्चन याद है? अकाउंटिंग क्वेश्चन क्या होती है? एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, और लायबिलिटी अगर इक्वेशन को सिर्फ आपके एसेट में से माइनस हो जाए तो उसको कहते हैं नेट एसेट। क्या कहते हैं जी? नेट एसेट। और नेट एसेट जो होता है वो किसके बराबर होता है जी? कैपिटल के बराबर होता है। अब बच्चों जरा गौर से देखो इस सवाल में, नेट एसेट 11400 के हैं और वही वैल्यू आपके कैपिटल की भी है, नेट इक्विटी एंड सरप्लस ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट वही 11400 के बराबर है, बेसिकली आपकी इक्विटी के बराबर है। इसका भी हम अकाउंट ओपन कर लेते हैं, नेट इक्विटी एंड रीवैल्यूएशन सरप्लस। अच्छा जी, नेट इक्विटी का बच्चों ओपनिंग बैलेंस कितना है? 11100। और क्लोजिंग बैलेंस? अब किसी को ये डाउट तो नहीं है कि सर ये क्रेडिट साइड पे क्यों आ रहा है? ये 11100 है और 11400। बच्चों क्या इस सवाल में जितने भी ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस थे सबके अकाउंट्स बना लिए, या जिसके नहीं बनाए उसके बारे में पता ना क्या क्या करना है उसका? तो ऊपर जितने अकाउंट है सबको हमने डिस्कस कर लिया। बच्चों सवाल आपने पेपर में ऐसे करने के जो लाइन एक दफा पढ़ ले दोबारा पढ़ने ना पड़े, बात समझ लगी? जो जो चीजें मैंने निशान लगा ली है वो मैं दोबारा नहीं अब देखूंगा, क्यों? क्योंकि उसका जो इम्पैक्ट हो सकता है वो मैंने रिकॉर्ड कर। अच्छा अब जरा देखें बच्चों, ये नेट इक्विटी लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है? ओपनिंग बैलेंस कितना है? 11100। क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 11400। मैंने 11100 ओपनिंग लिखा और 11400 क्लोजिंग लिखा। अब बच्चों जब ओपनिंग बैलेंस दिए जाएगा ना, ओपनिंग क्लोजिंग तरीका याद रखना, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिए गए, आपने ओपनिंग क्लोजिंग ब्रॉड एंड कैंडल लिख दिया। अब जब नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन आएगी, इसकी हमेशा अपनी डबल एंट्री सोचनी है। अगर आप कैश फ्लो का सवाल टैली करना चाहते हो और चाहते हो कि 20 के 20 नंबर आपको पेपर में मिल जाए, आंखें बंद करके मिल जाए, तो उसमें कोई गलती ना हो, चैलेंज एक्सेप्ट करना है अगर आप, तो हमेशा क्या करना है, आपने ऊपर जो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिए जाएंगे उसका क्या करना है? अकाउंट ओपन करना। कर लिए, अगला काम नीचे जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी उसकी डबल एंट्री सोचनी है। अगर आपने डबल एंट्री की एक साइड रिकॉर्ड की और दूसरी साइड भूल गए, आपका सवाल कभी टैली नहीं आया। जल्दी जल्दी में आपने कहा चलो यार मैं 3000, मुझे 3 मिलियन नजर आ रहा है, इसको तो मैं लिखूं,
और इसके दूसरा इंपैक्ट कहां पे होगा अगर वो आपने नहीं सोचा, आपकी कैश फ्लो पहले नहीं होगी। तरीका समझ आ रहा है? तरीका क्या है? ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिए जाएंगे, आपने लिख दिए, अब उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, तो आपने क्या करना है उसकी एंट्री सोचनी, डबल एंट्री। उसके दो इंपैक्ट है, ऊपर वो जो भी चीज है उसका मैंने एक एक इंपैक्ट लिखा, या 10,000 मैंने एक दफा लिखा कि दो दफा लिखा है, और 10,500 एक दफा। लेकिन ये जो 3 मिलियन है इसको मैंने एक दफा नहीं लिखना, ये दो दफा है। अब कहां पे डेबिट होगा कहां पे क्रेडिट होगा ये सोचना। हाँ जी बच्चों, ये क्या बता रहा है कि अकाउंटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बता रहा है 3 मिलियन। ऊपर क्या वैल्यू आ रही है यहां पे? रुपीज इन 1000, तो इसमें से भी 3 जीरो गायब कर देंगे तो मेरा प्रॉफिट कितना बनता है? 3000। अब बच्चों जरा ध्यान से, क्या मैं कह सकता हूं मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 3000 है? तो बच्चों क्या अगर मुझे टैक्स पता चल जाए तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा? लेकिन याद रखना इसके दो इंपैक्ट आने हैं, मैंने भी एक लिखा है, अगर आपने एक लिखा दूसरा भूल गए ना, ये मैं आप सेंड पे पूछूंगा इसके दूसरे इंपैक्ट कहां पे आने। अभी तो आपको पता नहीं है क्योंकि आपने प्रॉफिट इनकम स्टेटमेंट बनाई हुई है, 3000 वहां से आता, इसका दूसरा इंपैक्ट आपको पता नहीं है, मैं पूछूंगा आपसे। अच्छा जी बच्चों, अगर मुझे टैक्स पता चल जाए तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा, लेकिन प्रॉफिट बिफोर टैक्स मुझे चाहिए क्यों? क्या मुझे पता है मेरे सवाल की पहली लाइन क्या है? उसके लिए मुझे प्रॉफिट बिफोर टैक्स चाहिए। और आई क्या बड़ा अक्लमंद है, उसने कौन सा प्रॉफिट दिया? आफ्टर टैक्स दिया। स्टोरी समझ आ रही? मैं यानी कि मैंने आधा सवाल पढ़ लिया लेकिन सवाल अभी तक शुरू नहीं हुआ। आगे देखो, इनकम टैक्स पेड, ये स्पेलिंग क्या है इसके, इसका तर्जमा करें क्या मतलब? दे चुके हैं, खर्चा बनता है या पे कर चुके हैं, इन दोनों में फर्क है। खर्चा बनता है कोई और चीज होती है, पे कर चुके हैं कोई और चीज होती है। अमाउंटिंग टू 1000, बच्चों इसकी डबल एंट्री सोचो, 1000 रुपए की डबल एंट्री सोचो। क्या बच्चों कैश क्रेडिट होगा क्या नहीं होगा? अगर कैश क्रेडिट होगा तो दुनिया में कोई और अकाउंट डेबिट होगा, क्या वो दूसरा जो अकाउंट डेबिट होगा बच्चों प्रोविजन फॉर टैक्स होगा? कितना है यहां पे आएगा? अब बच्चों अगर यहां पे आपने 1000 लिख लिया तो क्या आपको लगता नहीं है कि यहां से कुछ निकल आएगा? क्या चीज निकलेगी? ये वो एक्सपेंस निकलेगा जो प्रॉफिट एंड लॉस में गया हो। क्या आंसर आ जाएगा? 1750। सोच लो, नहीं समझ रहे, ये 1750 क्यों चाहिए? ये 1750 मैं यहां पे रखूंगा तो मेरे पास क्या चीज आ जाएगी? प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगी। नहीं समझ रहे, बताया नहीं जरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना था? 4750। तो ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, 4750 मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, रुपीज इन 1000। ठीक है जी, तो यहाँ पे रेफरेंस दे देंगे वर्किंग नंबर 1, ये वर्किंग नंबर 1 से निकाला है, और यहाँ पे रेफरेंस दे देंगे वर्किंग नंबर 2। समझ आइए, इतने पापड़ बेलने पड़े हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने को। 20 नंबर, जब कभी भी आपका दिल करे ना कि यार मुझसे नहीं पढ़ा जा रहा, एक मिनट के लिए सोच लेना कि सवाल कितने नंबर का, 20 नंबर। ये कर लिया पेपर पास, ये नहीं हुआ तो पेपर फेल। अच्छा जी, 4750, क्लियर सबको? बच्चों मैंने कितनी लाइनें कवर कर ली हैं? 2 लाइनें कवर कर ली। तीसरी लाइन, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर इज 750।
इस 750 का सोचो, दो इंपैक्ट आने हैं, कितने इंपैक्ट आने हैं बताएं जरा, कौन कौन सी चीज डेबिट होगी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। बच्चों सवाल में अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं है, डेप्रिसिएशन यहां पे आएगी कितने से, 750 से। 750 मैंने लिख दिया बच्चों, एक इंपैक्ट मैंने नोट कर लिया, दूसरा इंपैक्ट सोचो, क्या दूसरा इंपैक्ट मेरे प्रॉफिट की कैलकुलेशन से पहले माइनस हुआ पड़ा, क्या मुझे वो एड बैक करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, दो इंपैक्ट समझ आ गए सबको, नहीं समझ आए चेक करो शाबाश, यहां तक मेरे साथ है सारे, ओके। पॉइंट नंबर थ्री क्लियर हो गया सबको, अब आगे प्रवीण फॉर डाउटफुल डाटा आ गई और मैंने इसके ऊपर आपके अच्छे खासे 5 मिनट वेस्ट किए हैं, क्या वो वेस्ट ही हुए हैं या कोई फायदा भी हुआ। अगर बच्चों मैंने आपको बताया कि ऊपर डेट है, डेटर कौन से हैं, नेट ऑफ प्रोविजन, तो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स की तरफ देखने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन कोई होता है मसला होता है बंदे को, कहते नहीं सर कुछ ना कुछ तो है, ठीक है जी। तो आज हम वो वाला मसला भी हल करते हैं, तसल्ली बख्श जवाब मिलेगा आपको। बच्चों जरा गौर से देखना, मेरे टोटल ग्रॉस डेटर और मेरी प्रोविजन, बच्चों प्रोविजन माइनस होगी तो नेट डेटर आ जाएंगे, बच्चों ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों बैलेंस आपको दिए गए हैं सवाल में, गौर से देखिएगा, ओपनिंग बैलेंस डेटर का कितना है 400, क्लोजिंग कितना है, ये नेट डेटर है ग्रॉस डेटर है कि क्या, तो बच्चों सबसे नीचे लिखूंगा मैं 400 और 450, अगर मुझे प्रोविजन पता चल जाए तो मैं ग्रॉस डेटर निकाल सकता हूं। वैसे तो मैंने आपको बता दिया है कि सिर्फ नेट डेटर का डिफरेंस लेंगे सवाल हमारा हो सकता है, हमें प्रोविजन के चक्रों में पड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बंदा सोचता ही है कि सर ने जरूर कोई ना कोई गेम चलाई है, हम पेपर में जाके हम फंस जाएंगे, सर ने तो निकल जाएंगे, तो जरा वो वाली गेम क्लियर कर लेते। अब आगे सुने, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट द एंड ऑफ ईयर अमाउंटेड टू 5% ऑफ क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ट्रेड रिसीवेबल, कितने परसेंट है बच्चों, अब सोच समय के जवाब देना, ये 5% जो है ये ग्रॉस डेटर का होगा या नेट डेटर का होगा, सोच लो ग्रॉस डेटर का होगा, क्लियर सबको, लेकिन ग्रॉस डेटर तो मेरे पास है ही, तो बच्चों फिर ऊपर वाले डेटर 100% होंगे और नीचे वाले डेटर 95% होंगे, तो मैं कह सकता हूं ये 450 जो है ये 95% है और मैंने निकालना है 100%, लेकिन पहले मैं 1% तो निकाल लूं, फिर मैं क्या करूंगा दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, आंसर क्या रहेगा, चलो जी इमेजिन कर लेते हैं जी 474 है, 474 है। अब अगर 474 बच्चों मेरे पास ग्रॉस डेटर आ गए तो क्या मुझे प्रोविजन पता चल सकती है, प्रोविजन कितनी होगी 24 होगी, क्यों, क्लोजिंग बैलेंस कितना है 450, ठीक हो गया, और ओपनिंग 400 है, आगे देखते हैं बच्चों, द ओपनिंग बैलेंस ऑफ द प्रोविजन वाज NIL nil, क्या वो ये कह रहा है कि यहाँ पे जीरो बैलेंस है, तो बच्चों फिर ओपनिंग ग्रॉस और नेट सेम होगा, नहीं समझ आया,
यहां तक कंट्रीब्यूशन सबको समझ आ गया। अब बच्चों पिछले सवाल में हमने ग्रॉस डेटर का डिफरेंस लिया था, याद है? पिछले सवाल में हमने क्या किया था? ग्रॉस डेटर का डिफरेंस अलहदा से लिया और प्रोविजन का डिफरेंस अलहदा से लिया था। और आज के सवाल में हमने सिर्फ नेट डेटर का डिफरेंस लेना है। आप चेक करो क्या दोनों सूरतों में आंसर हमारा सेम आता है। अगर मैं ग्रॉस डेटर का डिफरेंस लेता हूं तो मुझे दूसरा डिफरेंस किसका लेना पड़ेगा? प्रोविजन का। और अगर मैं सिर्फ नेट डेटर का डिफरेंस ले लेता हूं तो मुझे ग्रॉस और नेट दोनों का कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब बात समझ आई? नहीं समझ आई? तो बच्चों अगर सवाल में नेट डेटर हो और प्रोविजन भी हो क्या करेंगे? आंखें बंद करके नेट डेटर का डिफरेंस ले लें, प्रोविजन के चक्करों में ना पड़े। पढ़ना ही है तो पढ़ दे, कोई मसला नहीं। ठीक हो गया जी, मर्जी है आपकी। आज के बाद ये बात याद रहेगी। अच्छा पिछले सवाल में प्रोविजन फिर क्यों ली थी? उसमें नेट डेटर नहीं थे, ग्रॉस डेटर थे। लेकिन अगर पिछले सवाल में नेट डेटर निकालना चाहे निकाल सकते हैं, वहां पर भी निकाल सकते। लेकिन उस वक्त हमें बात समझ नहीं आ रही। क्या आज ये बात क्लियर हो गई बच्चों? कितने पॉइंट हो गए हमारे? चार पॉइंट हो गए। अच्छा बच्चों आगे पॉइंट नंबर 5। 48,000 शेयर वर इश्यू ड्यूरिंग द ईयर एट ए प्रीमियम ऑफ 2.5 पर शेयर। इस तरह का सवाल आपने स्टेटमेंट चेंज डिग्री में भी पढ़ा था। बच्चों क्या 2.5 रुपए का बेचा है? 2.5 रुपए का नहीं बेचा। फेस वैल्यू ऑफ द कंपनी शेयर इज 10। हमने शेयर 2.5 रुपए का नहीं बेचा, हमने शेयर बेचा है 12.5 रुपए। क्या ये बात समझ आई? अब बच्चों 48,000 शेयर हैं। ओए बस 48,000 शेयर हैं, कितने के बेचे हैं जी? 12.5 के। आंसर क्या रहेगा? 6 लाख। 6 लाख में से 3 जीरो गायब, 600। आपने मुझे दो इंपैक्ट बताने हैं, डेबिट क्या होगा क्रेडिट क्या होगा? क्या बच्चों पैसे आएंगे कि जाएंगे? क्या बच्चों ये बोनस शेयर बने? क्योंकि बोनस शेयर मुफ्त नहीं होते। याद करें बोनस शेयर कौन से शेयर होते हैं? क्या बोनस शेयर में कोई पैसे मिलते हैं? बोनस शेयर में कोई पैसे नहीं। फिर सवाल ये है क्या ये शेयर बोनस वाले तो नहीं? कैसे मतलब उसने बोनस की तो बात नहीं की लेकिन कोई और बात भी तो नहीं ना की? तो आपके स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी का इम्तिहान है। बताओ ये शेयर कौन सा? बोनस शेयर है, राइट शेयर है या कौन से है? मुझे ये बताओ पता कैसे चलेगा कि ये बोनस नहीं है? ये बस जवाब दो बच्चों। यहां से पता लगेगा कि ये बोनस शेयर नहीं है क्योंकि बोनस शेयर में कोई प्रीमियम नहीं। जो चीज मुफ्त में बेची है उसमें प्रीमियम कहां से आएगा? बोनस शेयर हमेशा पावर वैल्यू के होते हैं, याद है वो बचपन की बातें। बोनस शेयर हमेशा किस पे होते हैं? पावर वैल्यू पे। और अगर ये 2.5 रुपए का प्रीमियम कमाया जा रहा है डेफिनेटली कैश पकड़ा गया। ठीक हो गया। तो बच्चों अब बताओ इस 600 की एंट्री बताओ क्या मैं कह सकता हूं कैश डेबिट होगा 600 से, शेयर कैपिटल क्रेडिट होगा 480 से और शेयर प्रीमियम 120 से? ओए ओए बस हौसला। क्या ये बात समझ आ गई? मेरे कैश में इजाफा हुआ 600 से। अब अगला पॉइंट ये है बच्चों क्या शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम अलहदा अलहदा से आपको दिया गया है? अलहदा अलहदा से नहीं दिया गया। क्या उसने एक ही अकाउंट बताया? तमाम इक्विटी का और रीवैल्यूएशन सरप्लस का एक ही अकाउंट है? एक ही अकाउंट है। तो बच्चों क्या सीधा सीधा 600 रुपए यहाँ पे लिखा जा सकता है?
क्रेडिट पे क्यों आएगा बच्चों ये? क्योंकि ये क्रेडिट हो रहा है, ये डेबिट हो रहा है, और ये जो डेबिट हो रहा है ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा? नहीं समझे, नहीं आएगा, आएगा। अच्छा ठीक हो गया, चलो फाइनेंसिंग एक्टिविटी जब बनाएंगे तब देखेंगे। पॉइंट नंबर फाइव सबको समझ आ गया, इसमें कोई मुश्किल। पॉइंट नंबर सिक्स, ध्यान से, मार्कअप पेड ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटिंग टू 5 लाख, 3 जीरो उड़ा देते हैं, 500। मुझे बताओ इस पूरे सवाल में ऊपर कहीं मार्कअप पेबल की कोई बात हुई है क्या? कोई ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस है सवाल में? अगर मार्कअप का कोई ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस नहीं है तो मैंने आपको बताया है जितने पैसे पे किए हैं उतना ही खर्चा बनता। याद आ रहा कुछ कुछ? तो मैं कह सकता हूं इसकी एंट्री क्या होगी बच्चों? इसकी एंट्री होगी इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, कितने से? ये एंट्री समझ आ गई? समझ नहीं समझ आई? पढ़ लो जी, ये लाइन पढ़ लो दोबारा। पॉइंट नंबर सिक्स, मार्कअप पेड ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू 500, और मार्कअप का कोई ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस नहीं है। मैंने बताया था कि जिस चीज का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस नहीं होगा उसकी पेमेंट डायरेक्ट एक्सपेंस होगी, उसकी पेमेंट और एक्सपेंस दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। ऐसी है? पॉइंट नंबर सिक्स क्लियर हो गया। पॉइंट नंबर सेवन, एन ओल्ड मशीन having book value of 5 lakh was exchanged with the new machine costing 950. exchange of asset ka topic aa gaya, aapne socha tha fault ho gaya, wo cash flow mein batayega। the company paid 350 as the difference, no other fixed asset was sold during the year। ab bachcho exchange of asset ke topic yaad kare, हमेशा हम नया एसेट रिकॉर्ड करते हैं अपने एसेट की फेयर वैल्यू पे प्लस उसमें कैश पे करते हैं, अपने एसेट की फेयर वैल्यू प्लस कैश। याद है? इस सवाल में मुझे बताओ क्या अपने एसेट की फेयर वैल्यू सवाल में है? ये 500 क्या है? ये बुक वैल्यू है। फेयर वैल्यू बुक वैल्यू में फर्क होता है? अपने एसेट की फेयर वैल्यू सवाल में गिवन नहीं है। अच्छा, जब अपने एसेट की फेयर वैल्यू सवाल में गिवन नहीं होगी, अगला काम क्या करता है? अगला काम ये करते थे कि दूसरे एसेट की फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करते थे। देखा? क्या दूसरे एसेट की फेयर वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है? डेफिनेटली बच्चों, अब कॉमन सेंस यूज करो। इस कंपनी ने एसेट बाय किया होगा तो तीन चार दुकानों से पता किया होगा तो सबसे लोएस्ट रेट उसको ये मिला होगा 90। अब चूंकि इसने पे कर दिया है तो इसके लिए वर्ड बन गया कॉस्ट, लेकिन पहले दिन कॉस्ट ही फेयर वैल्यू होती है। याद है? आप पहले दिन जब कोई चीज बाय करने जाते हो मार्केट में, चार पांच लोगों से पता करते हो जो सबसे अच्छा रेट होता है, आप उसकी पेमेंट करते हो, चीज ले आते हो, आपके लिए वो कॉस्ट है, लेकिन मार्केट के लिए वो क्या थी? फेयर वैल्यू है। नए एसेट की कॉस्ट ही बेसिकली क्या होती है? फेयर वैल्यू। क्या ये पॉइंट समझ आया? तो 950 बेसिकली क्या चीज है? उस नए एसेट की फेयर वैल्यू है। हमारे एसेट की फेयर वैल्यू गिवन नहीं, तो हम अपने वाले एसेट की फेयर वैल्यू को यूज नहीं कर सकते। अगर फेयर वैल्यू हमारे अपने एसेट की होती तो पहली प्रायोरिटी किसको मिलती? अपने एसेट की फेयर वैल्यू को पहली प्रायोरिटी मिलती। वो नहीं है तो दूसरी प्रायोरिटी किसकी है? जो एसेट बाय किया है उसकी फेयर वैल्यू देखेंगे। तो जब जो एसेट बाय किया है उसकी फेयर वैल्यू देखेंगे तो क्या उसमें कैश आएगा? मतलब कैश प्लस माइनस करेंगे? सोचो, जब दूसरे एसेट की फेयर वैल्यू ले रहे हैं तो उसमें प्लस माइनस कैश होगा, उसमें उसमें कैश प्लस माइनस नहीं होगा। अच्छा जी बच्चों, अब एक्सचेंज की एंट्री जरा मुझे बताइएगा। क्या बच्चों न्यू एसेट डेबिट होगा? कितने से? 950 से। ओल्ड एसेट क्रेडिट होगा? कितने से? 500 से। कैश क्रेडिट होगा?
कितने से? 350 से। तो जो डिफरेंस होगा वो गेन या लॉस होगा, तो बताएं गेन है कि लॉस? अन्यो देखिए, जैसे मैं अन्ना कहता हूं सबकी आंखें खुल जाती है। अरे क्या ये बात हो रही है? गेम कैसे हो गया जी बताएं जरा, क्या ये बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड पे आ रही है कि क्रेडिट साइड पे आ रही है? मैंने आपको बताया था कि जो चीज एंड पे लिखेंगे वहां से पता चलेगा गेन है कि लॉस है। अगर क्रेडिट साइड पे निकल रही है तो गेन है, अगर डेबिट साइड पे निकल रही है तो लॉस है। तो यहां से पता चल रहा है गेन हो रहा है क्योंकि क्रेडिट साइड पे डिफरेंस आ रहा है। क्या ये बात समझ आई? अच्छा अब बच्चों अब जरा सोच समय के जवाब देना। मैं इस एसेट अकाउंट में, इस एसेट अकाउंट में क्या लिखूंगा? एडिशन लिखूंगा 950 का, लेकिन उस 950 के दो हिस्से होंगे बच्चों, एक 350 अलहदा और एक 500 अलहदा। हकीकत में मैंने नए ऐसे 950 के बाय नहीं किए, हकीकत में मैंने नया एसेट जो है वो 950 का बाय किया। यहाँ पे 500 नहीं आना, बेसिकली क्या आना? 600 आना। ये 600 क्या चीज है बच्चों? ट्रेडिंग अलाउंस। ट्रेडिंग अलाउंस क्या होता है? जो हमारे एसेट की वैल्यू लगाई है बायर ने, याद है कुछ कुछ बच्चों? हमारे डिस्पोजल में भी कुछ जाएगा, हमारे डिस्पोजल में क्या जाएगा? पुराना एसेट। याद आ रहा कुछ कुछ? ये लिख लो जल्दी शाबाश, वो लिख लिया है नहीं समझ रहे, डिस्पोजल अकाउंट बना लेते हैं पहले, ये बना लिया बता लें। अब बच्चों डिस्पोजल अकाउंट देखते हैं, ओए ध्यान से, बच्चों क्या 500 का प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डिस्पोजल में डेबिट साइड पे आएगा? और बच्चों ये प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट डब्ल्यूडीबी पे मेंटेन हो रहा है, यहाँ पे कोई एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन की बात नहीं है। अब ये 500 का एसेट मेरे डिस्पोज ऑफ किया, लेकिन क्या मुझे एसेट को बेच के कुछ पैसे मिले? मुझे तो नहीं पैसे मिले, मुझे पैसे नहीं मिले। मुझे क्या मिला है? नया एसेट मिला। तो मैं क्रेडिट पे क्या लिखूंगा? नया एसेट, लेकिन 950 का नहीं लिखा, 600 का। बच्चों ये 600 यहाँ पे क्या हो रहा है? क्रेडिट। और यहाँ पे क्या हो रहा है? अब समझ रही है? डबल एंट्री नहीं समझ रही। अच्छा अब जरा दोबारा देखो, मेरा एसेट की वैल्यू क्या थी? 500। मेरा एसेट की वैल्यू सप्लायर ने क्या लगाई? 600। तो गेन हुआ, और आपको पता है डिस्पोजल में गेन डेबिट साइड पे आता होता है, तो गेन यहां पे निकलेगा। इस गेन की भी डबल एंट्री होनी है, एक तो ये डेबिट है कहीं ना कहीं, और ये क्रेडिट हुआ पड़ा प्रॉफिट एंड लॉस में। याद आ रहा? तो हर एक एंट्री का दूसरा इंपैक्ट सोचना है, जिस वक्त एक भी भूल गए सवाल वहीं पे गलत हो गए। बारो जिसको दूसरे दूसरे पैक देखते हैं। पॉइंट नंबर 7 सबको क्लियर हो गया बच्चों? पॉइंट नंबर 8, इनटेंजिबल एसेट्स आर अमोर्टाइज्ड एट 25% ऑफ बुक वैल्यू, 35% ऑफ बुक वैल्यू। बच्चों इनटेंजिबल एसेट का अलहदा से उसने डेप्रिसिएशन होने की बताई है, तो मैं कह सकता हूं यही WDV है कि नहीं? और ये जो क्लोजिंग वैल्यू है ये डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद आई है कि पहले आई? ये बाद में आई, सोच लो। तो मैं ये कह सकता हूं कि 1200 बेसिकली 65% है, सोच लो। नहीं समझ गई?
क्लियर है बच्चों? क्या ये कैरिंग वैल्यू या WDV है कि नहीं है? कैसे पता लगा? इसकी अलहदा से कोई अमोर्टाइजेशन या डेप्रिसिएशन की बात उसने नहीं की सवाल में, जैसे कि इसकी नहीं की, उस तरह से इसकी भी नहीं की, तो फिर ये 1200 कॉस्ट तो नहीं हो सकती। ये 1200 क्या है? WDV है। और ये 1200 सारा कुछ कटकटा के बचा हुआ, तो ये 1200 खुद कितने परसेंट है? 65%। तो अगर मैं 1% कैलकुलेट करना चाहूं, 65 पे डिवाइड करूंगा, और अगर मैं 35% कैलकुलेट करना चाहूं, तो क्या आ जाएगा? 6 46। ये क्या चीज है? क्या मैं कह सकता हूं कि ये डेप्रिसिएशन है? इनटेंजिबल एसेट की डेप्रिसिएशन का नाम क्या है? अमोर्टाइजेशन। ये 646 है। ये समझ अब क्लियर सबको? ये पॉइंट नंबर 8 भी सबको समझ आ गया। अब पॉइंट नंबर 9, द कंपनी रीवैल्यूज इट्स मेजर फिक्स्ड एसेट पीरियडिकली। रीवैल्यूएशन भी आ गई, इसकी कमी रह गई, ये भी आ गई है। ए रीवैल्यूएशन कैरिड आउट ड्यूरिंग द ईयर शोड द दैट द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट हैड डिक्लाइंड बाय 3300। डिक्लाइन हुआ है कि गेन हुआ, लॉस हुआ? द अमाउंट वाज चार्ज्ड अगेंस्ट द सरप्लस रिकॉर्डेड इन। अब बच्चों, जब लॉस होता है तो लॉस पहले कहां पे रिकॉर्ड करते हैं? प्रॉफिट लॉस में। गौर फिटे मुत बोर्ड देखा फेरे कलाई। हाँ जी, अगर किसी एसेट में लॉस हो जाए, रीवैल्यूएशन में लॉस हो जाए, और पहले का सरप्लस पड़ा हुआ है, तो किसको चार्ज करेंगे? पहले सरप्लस को चार्ज करेंगे, और अगर फिर भी बच जाए तो वो प्रॉफिट लॉस में यार। और क्या इस सवाल में वो अपने मुंह से कह रहा है? क्या वो अपने मुंह से कह रहा है कि कहां पे रिकॉर्ड हो रहा? क्या ये लॉस प्रॉफिट लॉस में गया होगा? ये वाला लॉस प्रॉफिट लॉस में नहीं गया। अब इसकी एंट्री बताएं, 3300 की एंट्री बताएं। शाबाश, रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट और एसेट क्रेडिट कितने से? बच्चों यहां पे 3300 करेंट साइड पे आएगा, नहीं समझ आई? और बोलो तो सही, क्रेडिट साइड पे आएगा। दूसरा दुनिया में कौन सा अकाउंट है जो डेबिट होगा? रीवैल्यूएशन सरप्लस, लेकिन वो तो दिया ही नहीं हुआ। लेकिन उसने साथ ये भी कहा हुआ कि ये नेट इक्विटी प्लस रीवैल्यूएशन सब कुछ इसमें है, तो फिर इसी को डेबिट करेंगे। ये एंट्री हमने पास कर ली बच्चों, और हमारी सारी एडजस्टमेंट हो गई, कंप्लीट हो गई। सवाल हमने सारा कर लिया है, और कैश फ्लो में हमने सिर्फ एक लाइन लिखी, दो लाइनें लिखी ऐसी। अच्छा, रीवैल्यूएशन की क्या एंट्री होगी बच्चों? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट क्रेडिट होगा, और रीवैल्यूएशन प्लस डेबिट होगा। अच्छा जी, अब बच्चों अगला पॉइंट। अब हमने कैश फ्लो को कंप्लीट करना है, अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमने सारी वर्किंग जो करनी थी, और मुझे सवाल को दोबारा देखने की भी जरूरत है। उसमें से जो जो निकल सकता था, क्या मैंने एक एक लाइन में एक एक वैल्यू रिकॉर्ड की है? अब ये सवाल मुझसे कोई खींच के ले भी जाए उसकी क्या, मुझे सवाल को दोबारा देखने की जरूरत नहीं। इस तरीके से सवाल करो कि सवाल दोबारा देखना ना पड़े। अब जरा ध्यान, अब देखो मैं क्या करूं। अब बच्चों सबसे पहला पॉइंट, डेप्रिसिएशन को रिवर्स कर दिया। क्या आपको याद है कुछ कुछ अमोर्टाइजेशन भी है सवाल में? क्या वो भी माइनस हुई पड़ी होगी? उसको यहां पे प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे? और अमोर्टाइजेशन कितनी है? नहीं समझ आया? हाँ जी, ओपनिंग बैलेंस के साथ क्या
देखो पॉइंट ये है, ओपनिंग बैलेंस आप देख रहे हो 1000 है और क्लोजिंग कितने है? क्या ड्यूरिंग द ईयर मजीद कुछ परचेज किया होगा तो उसके ऊपर भी डेप्रिसिएशन आई होगी, तो डेप्रिसिएशन करने के बाद ये 1200 आया। अगर हम ओपनिंग पे अमोर्टाइजेशन चार्ज करेंगे तो जो ड्यूरिंग द ईयर बाय किए हैं उनकी अमोर्टाइजेशन काउंट नहीं हो पाएगा ऐसी, लेकिन इस 646 में सारे आ गए जो साल के शुरू वाले थे और जो ड्यूरिंग द ईयर बाय किए सारे आ गए। क्यों? अगर मैं इस 1000 के ऊपर 35% लगाता तो बच्चों मेरा 350 आंसर आना, और मेरा आंसर क्या आ रहा है 646। तो मैं कह सकता हूँ इसके अंदर नए वाले के भी मोटिवेशन शामिल है। अगला पॉइंट और समझ आ गया सबको? अच्छा जी, डेप्रिसिएशन भी आ गई, अमोर्टाइजेशन भी आ गई। क्या हमने कोई एसेट बेचा था फायदा हुआ था? वो गेन मेरे प्रॉफिट में ऐड हुआ होगा कि माइनस? अब क्या करें? गेन ऑन डिस्पोजल कितना गेन आया था बच्चों? ये डिस्पोजल अकाउंट बनाया था, ये गेन, यहां पे क्या करेंगे बच्चों? माइनस करेंगे। क्यों? पहले ऐड हुआ पड़ा था, माइनस कर। क्या बच्चों बैड डेट्स भी हैं सवाल में? क्या हम लेंगे? वैसे हैं, अगर सोचने की बात सोची जाए तो 24 के बैड डेट्स हैं, लेकिन अगर हमने 24 के बैड डेट्स ले लिए तो फिर हमें 74 लेना पड़ेगा, और हम किस पर बजिद हैं? तो फिर जब 50 लेंगे तो 24 नहीं ले रहा पॉइंट, मर्जी है आपकी, 24 ले लें, 24 लेंगे तो फिर 74 लेंगे नीचे, लेकिन अगर हमने 50 लेना डिफरेंस तो वो नहीं लें। अच्छा जी, टैक्स भी आ गया, डेप्रिसिएशन भी आ गई, अमोर्टाइजेशन भी आ गई, गेन और डिस्पोजल भी आ गया, कुछ और तो नहीं आ गया? लॉस, लॉस किस पे हुआ? गौर फिटे मुंह पर लाख लानत पड़े। ये पॉइंट नंबर 9 दोबारा पढ़े। क्या वो उसने अपने मुंह से कहा कि वो कहां चार्ज हुआ और आप मेरे नाम जिना? ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है एग्जामिनर को गलती लगी हो। हमारे कंसेप्ट कितने पक्के हैं कि सरप्लस को भी जाएगा और प्रॉफिट लॉस में भी जाएगा, हालांकि वो कह रहा है, वो कसमें खा रहा बेचारा कि यार वो रीवैल्यू सरप्लस को चला गया। अगर ना ऐसा नहीं हो सकता, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ही गया, क्योंकि मैंने अगली दफा भी पेपर देने आना। हाँ जी, क्या आएगा रीवैल्यूएशन लॉस? कब आएगा? अब जरा सोचो एक मिनट के लिए। हाँ, अब जरा एक मिनट के लिए सोचो तसल्ली से। अगर मेरे रीवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस होता 3000, कितना बैलेंस होता, और मेरा लॉस हुआ 3300, मेरा लॉस हुआ 3300, तो 3300 में से 3000 तो रीवैल्यूएशन सरप्लस में चला गया, बाकी 300 कहाँ गया? प्रॉफिट लॉस में। तो प्रॉफिट लॉस में रिवर्सल 300 का आएगा कि 3300 का आएगा? 300 का आता, जितना प्रॉफिट लॉस में गया है उतना ही रिवर्स होगा। वो 3300 तो गया ही नहीं प्रॉफिट लॉस में, तो वो रिवर्स कैसे हो? नहीं बात है, तो बार बार उधर ही रीवैल्यूएशन लॉस, रीवैल्यूएशन लॉस। और बताएं जी बच्चों, कोई ऐसा गेन लॉस, क्या कोई चीज मिस तो नहीं कर रहे आप? गौर से देखो, इंटरेस्ट, ये एंट्री याद है आपको? क्या ये इंटरेस्ट एक्सपेंस मेरे प्रॉफिट में क्या होगा? 500 से जमा करेंगे, माइनस करेंगे, जमा करेंगे, ये यहां पे जमा करेंगे, हालांकि ये तो कैश एक्सपेंस है, लेकिन देखो ऊपर वाली सारी चीजें वो आ रही है जो नॉन कैश है, ये क्यों जमा हो रहा है? ये तो कैश है, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी का हिस्सा नहीं है, इसलिए वापस हो रहा है। ये कैश एक्सपेंस लेकिन वापस इसलिए हो रहा है क्योंकि ऑपरेटिंग एक्टिविटी का हिस्सा नहीं है, कैश फ्रॉम ऑपरेशन ऐसा कोई लेना देना नहीं। अच्छा, इंटरेस्ट एक्सपेंस भी हो गया बच्चों, सोच लो सोच लो, ये भी 500 रिकॉर्ड हो गया, ये 100 भी रिकॉर्ड हो गया, और ये तो टैक्स है,
अमोर्टाइजेशन रिकॉर्ड होगी 646, डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड होगी, रिकॉर्ड हो गई है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, नेट इक्विटी, मेरा ख्याल है सब कुछ रिकॉर्ड हो गया बच्चों। अब यहां पे क्या निकलेगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल 6546। ठीक हो गया जी, नहीं समझ रही बात। अच्छा जी, अब इसके बाद क्या आना है बच्चों, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। बच्चों याद है आपको कि हमने कुछ अकाउंट नहीं बनाए थे जिन पे कांटे मारे हुए, स्टॉक में कितना इंक्रीज डिक्रीज है, 250 का, कौन है 250 वाला, 250 कौन है, चेक करो, 290 का स्टॉक सबको नजर आ रहा है, बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, अगर स्टॉक बढ़ रहा है तो कैश जाएगा कि आएगा, जाएगा 290 से, इंक्रीज इन स्टॉक कितने से, 290 से, इंक्रीज इन डेटर्स, बच्चों डेटर में जरा देखो इजाफा हो रहा है कि कमी हो रही है, कितने से, आवाज नहीं है, 50 से, बच्चों ये नेट है, ये क्या है, नेट वाला लेंगे कि ग्रॉस वाला, नेट वाला लेंगे, कितना है जी, ये भी हो गया, ये भी हो गया, एडवांसेस एंड डिपॉजिट लेंगे बच्चों, एडवांस एंड डिपॉजिट में कोई चेंज नहीं आ रहा, कैश एंड बैंक बैलेंस नहीं लेना, बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं लेना, क्रेडिटर एंड अदर लायबिलिटीज, क्रेडिटर कितने बच्चों, ओपनिंग 400, क्लोजिंग कितने हैं 500, कितना चेंज आ रहा है, इंक्रीज है, इंक्रीज इन क्रेडिटर्स, 100 रुपया कैश आया कि गया, सोच लो, सोच लो, शाबाश। इसके अलावा बच्चों और कोई अकाउंट है जो रह गया हो, हमने सारे नोट कर लिए, कोई भी नहीं रह गया। हाँ जी, तो बच्चों यहां पे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस आ जाएगा, सिक्स 306 लेस बच्चों टैक्स पेड आएगा और इंटरेस्ट पेड भी आएगा। टैक्स पेड सवाल में बताया हुआ था, याद है इसकी डबल एंट्री आपने, याद है एक एक साइड रिकॉर्ड की दूसरी नहीं की, ये डेबिट हो रहा है किसी और जगह पे क्रेडिट होना चाहिए, वो जो 1000 रुपया क्रेडिट होगा वो यहां पे होगा, और इंटरेस्ट पेड भी सवाल में बच्चों बताया हुआ है। देखो बच्चों क्या ये डेबिट साइड हमने रिकॉर्ड कर लिया और अब ये क्रेडिट साइड रिकॉर्ड कर रहे हैं, हर चीज को दो इंपैक्ट रिकॉर्ड करेंगे तो सवाल टैली होना। जो कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 4806, ये हमारी पहली कैलकुलेशन हो गई। अब उसके बाद अगली कौन सी आएगी, वो बड़ी आसान है, सबसे मुश्किल क्या है, सबसे मुश्किल ऑपरेटिंग है। अब जब वो हो जाएगी ना तो बाकी दो 50% काम ही नहीं है। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, सबसे पहले देखो क्या ड्यूरिंग द ईयर कोई प्लांट बाय किया है या बेचा है। आपको याद है हमने प्लांट एक्सचेंज किया, प्लांट एक्सचेंज करने पे बच्चों हमने 950 पे नहीं किया, तो बच्चों मैं कैश अकाउंट बना रहा हूँ, याद रखना हमेशा, मैं कौन सा अकाउंट बना रहा हूँ, तो कैश अकाउंट में कमी 350 से होगी कि 950 से होगी, 950 से नहीं होगी, कितने से होगी,
हालांकि नया असर 950 का है, लेकिन मेरे कैश में कमी 950 से नहीं हुई। क्या ये बात याद रहेगी? अगली बात, क्या ये अकाउंट टैली करके देखो मैच होता है? ये तो सोचा ही सोचो जरा, शाबाश शाबाश शाबाश, डेबिट क्रेडिट दोनों साइड टैली करके देखो मैच होती है। कितना डिफरेंस आ रहा है? हाँ जी, आवाज नहीं आई। 4100 का डिफरेंस आ रहा है। ये मजीद हमने कोई असल बाय की? सोचो शाबाश। डेबिट साइड पे आ रहा है कि क्रेडिट साइड पे आ रहा है? डेबिट साइड पे आ रहा है। 4100 का आ रहा है। मुझे गड़बड़ लग रही है कुछ। कंफर्म है सबका? सब कह रहे हैं कि कोई एक बच्चा सारी क्लास को बरगला रहा है। 4100। अब बच्चों जरा सोच समझ के जवाब देना कि मेरे प्लांट में कितने पैसे गए इस साल? 4100 और 350। परचेज ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 4100 जमा 350। बच्चों यहां से एक बात और भी मिस समझ आई, उस वक्त तक किसी एडजस्टमेंट को ना छोड़ना जब तक उसका अकाउंट पूरी तरह से बैलेंस ना कोई चीज उसमें से आपको मिल जाएगी। अगर आप 350 लिख के आगे चले जाते तो आप कभी भी ना सोच सकते कि यहाँ पे 4100 रुपये और पड़ा होगा। और पेपर में तो आपको पता है इतना प्रेशर होता है कि आपके पास मौका नहीं है कि आप सारा सवाल दोबारा रिव्यू करें। ऐसी तो बच्चों टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी? 4450। ये पैसे आए के गए? गए तो माइनस में शो करेंगे। क्या इनटेंजिबल एसेट भी मेरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का हिस्सा है? बच्चों क्या आपको लगता नहीं कि इनटेंजिबल एसेट भी बाय किए होंगे? यहां पे भी कोई कैश निकल आएगा? 1200 जमा 646 माइनस 1000 846। नहीं समझ रही। परचेज ऑफ इनटेंजिबल एसेट 846। और बच्चों जरा गौर से देखो, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में भी इजाफा हुआ है। कितने से? ये अगर डेबिट हो रहा है तो दुनिया का कोई और अकाउंट क्रेडिट हुआ होगा। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स कितने से? 250 से। सबको मेरे कौन कौन से अकाउंट क्लोज हो गया बच्चों? प्रॉपर्टी प्लांट पेपर क्लोज, इंटेंजिबल एसेट क्लोज, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट क्लोज, और प्रोविजन फॉर टैक्स मैंने सबसे पहले क्लोज किया। ऐसे ही है, ये एक अकाउंट रह गया। क्या आपको लगता नहीं है इसमें कुछ है? कुछ तो गड़बड़ है। दया जरा निकालो। हाँ जी, ये क्या चीज है? किस साइड पे आ रहा है? किस साइड पे आ रहा है? क्या बोनस ये इशू किए होंगे? सोच, तसल्ली से सोच लो, तसल्ली से। बच्चों ये चीज याद आ रही है कुछ कुछ? ये मैंने कुछ लिखा भी था यहाँ पे। आपने यहाँ पे बोनस शेयर निकाल के जान छोड़नी? ये सर बोनस शेयर है बच्चों। ये 3000 बेसिकली प्रॉफिट है। इसके दो एंट्री हैं, दो बेसिकली इंपैक्ट आ रहे हैं। क्या ये बात हो रही? तो इसका मतलब ये हुआ कि इक्विटी में कोई पैसे आ जा नहीं रहे। वो 3000 का फर्क था तो बेसिकली प्रॉफिट वाला फर्क ही था।
और प्रॉफिट बच्चों इक्विटी में जमा होता है कि माइनस होता है? माइनस नहीं, माइनस होता है। इस टाइम में माइनस होगा, अगले टाइम में अकल आएगी तो जमा करें। अच्छा जी बच्चों, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में सिर्फ तीन चीजें हैं, सोच लो कोई चौथी चीज तो नहीं आया। डिस्पोजल, न्यू एसेट, रिवोल्यूशन, डाटा, ठीक है जी, ये चीजें हैं। तो बच्चों कैश आउटफ्लो इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, डबल फाइव माइनस में चेक कर लो। और सबसे आखिरी और सबसे आसान एक्टिविटी रहेगी कौन सी? कैश इनफ्लोज, कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। बच्चों क्या ड्यूरिंग द ईयर कोई शेयर हमने इशू किया है? इशू ऑफ शेयर कैपिटल याद करो, कितने के? 600 के। 600 के जब शेयर इशू करेंगे, पैसे आएंगे कि जाएंगे? आएंगे, प्लस या माइनस? प्लस। और मेरे ख्याल शेयर कैपिटल इशू करने के अलावा वो जो 3000 रुपए का मुआवजा आपने निकाला था, क्या वो पता लग गया वो प्रॉफिट ऑफ टैक्स ही है? वो कोई कैश नहीं आया। और बच्चों ड्यूरिंग द ईयर को डिविडेंड वगैरह पे किए? कोई डिविडेंड पे नहीं किए। कोई लॉन्ग टर्म लोन की बातें हुई सवाल में? कोई लॉन्ग टर्म लोन की पेमेंट, कोई एक्विजिशन, कोई ऐसी बात नहीं हुई। तो इसकी यही लाइन आखिरी है, तेरी खत्म। तो सबसे आसान एक्टिविटी कौन सी है? एक लाइन, बिल्कुल पांच चंदा भी लबड़ गए। जरा 10 नंबर वेख, ए 10 नंबर वे ते ए 5 नंबर वे। अच्छा जी बच्चों, नेट डिक्रीज या इंक्रीज इन कैश निकालना है एंड कैश इक्विवेलेंट। सबसे ऊपर वाली वैल्यू कौन सी है? 4806। प्लस की है कि माइनस की? और ये वाली वैल्यू माइनस की, ये वाली वैल्यू प्लस की। टोटल करें जरा। माइनस में आ रहा है 4806 प्लस माइनस 5546 प्लस 600, क्या आ रहा है जी? माइनस 140। ऐसी है तो बच्चों डिक्रीज लिखेंगे ना, नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। याद रखिए बात क्लियर सबको। अच्छा यहां पे बच्चों क्या ऐड होगा? ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। बच्चों अब जरा यहां पे एक वर्किंग याद रखनी, एक और इंपॉर्टेंट वर्किंग आ रही है। बच्चों आपने सवाल में देखना है क्या आपको कैश वाली दो चीजें गिवन है, एक कैश और बैंक बैलेंस और एक ओवरड्राफ्ट, एक पॉजिटिव और एक एसेट और दूसरा लायबिलिटी है। ओपनिंग कैश बैलेंस कितना है बच्चों? 100। क्लोजिंग 160। ये 100 है और ये 160 है प्लस का। क्यों? क्योंकि ये डेबिट नेचर का बैलेंस है। लेकिन बच्चों ये जो ओवरड्राफ्ट है 200 और 400 ये क्रेडिट बैलेंस है। तो क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या होगा? ये माइनस होगा। तो नेट नेट ओपनिंग बैलेंस कितना आएगा बच्चों? माइनस 100 और माइनस 240। अगर सवाल में अगर कैश बैलेंस ही है और कुछ नहीं है तो वो तो सीधे सीधे सवाल हो जाएगा। लेकिन अगर सवाल में आई कैप कैश के साथ ओवरड्राफ्ट भी देगा तो ये वर्किंग भी करनी पड़ेगी। ये वर्किंग समझ आ रही है? नहीं समझ आई? हाँ जी बस कर, और वर्किंग समझ आ गई है। अच्छा तो बच्चों ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है?
ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट माइनस 100 है, तो बच्चों यहां पे माइनस 100 लिखेंगे तो माइनस 240 आ जाएगा, और ये मैच कर रहा है, अगर ये मैच कर रहा है तो 20 नंबर पक्के। तो यहां पे लिखेंगे क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और ठीक होगा जी? नहीं समझ रहा, यही सवाल आपने घर जाके करना है, कोई नया सवाल नहीं करना, ये एक सवाल काफी है। अच्छा अच्छा, और समझ आ गया? आज के सवाल में हमने जो चीजें सीखी उसको रिवाइज कर लो। आज के सवाल में हमने सीखा है कि अगर डेटर का नेट बैलेंस दिया जाए तो नेट का इंक्रीज डिक्रीज लेंगे, प्रोविजन की बातें नहीं होंगी, ठीक हो गया? और रीवैल्यूएशन लॉस आ गए तो कभी भी नहीं समझना वो प्रॉफिट में गया, पहले सरप्लस में जाएगा। क्लियर है?